दोस्तों, कुछ बातें हैं जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये जो बातें हैं ना, इनको मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं आप लोगों तक पहुंचाना। क्यों यार ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाया जा सकता? क्यों मैं कमा सकता हूं, क्यों आप नहीं कमा पा रहे हो? क्या आपने कभी ना ठंडे दिमाग से रीजन का सोचा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन यार मैं आपको ना बहुत आसान से, बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यार बहुत टाइम सोचने के बाद ना, तो लाइक आई गॉट द रीजन। यार यू नो गाइस, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कंट्रोलिंग योर लाइफ फ्रॉम आउटसाइड। यू आर लिसनिंग टू अदर्स हु इवन डोंट नो द टी ऑफ ट्रेडिंग। देयर आर सो मेनी पीपल्स हु आर सेइंग दिस एप्लीकेशन आर फकिंग शिट्स। लाइक द एप्लीकेशन इज नॉट गिविंग द विड्रॉल्स इन द लाइक स्कैम, नॉट लीगल इन इंडिया। लाइक इवन दो इतना कुछ बोलने के बाद भी उनको ये नहीं पता कि ट्रेड कैसे करते हैं। आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी, कोई किसी को मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट पॉइंटिंग टू एनी वन। आई एम जस्ट सेइंग यू कि जस्ट कंट्रोल योर लाइफ बाय योर सेल्फ। यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड इफ यू वॉन्ट टू अर्न मनी फ्रॉम इन दिस फील्ड। अगर आपको यहां से पैसा कमाना है तो यू हैव टू बी चेंज, यू हैव टू बी योर सेल्फ। डोंट गिव योर की टू अदर्स टू कंट्रोल योर लाइफ। मैं सिंपल सा रीजन बताऊं यार, जितने भी लोग हैं ना जो मुझे फॉलो करते हैं, व्हाई आप यहां पे क्यों हो, आप इस चैनल पे क्यों हो, व्हाई यू आर फॉलोइंग मी, द रीजन सबका एक ही रीजन है। ईच एंड एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू अर्न मनी। एंड आप लोगों को विश्वास है कि यार ये बंदा कुछ करेगा, ये बंदा कुछ ना कुछ ऐसा सजेशन देगा, कुछ ना कुछ ऐसा गाइड करेगा जिससे हमें हेल्प मिलेगी आगे ग्रो करने में। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं, सर आई वॉन्ट टू बिकम लाइक, आई वॉन्ट टू बिकम यू, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। एंड बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आई वॉन्ट टू मेक करियर इन दिस फील्ड। मैं क्या इस फील्ड में करियर बना सकता हूं? व्हाई यू कांट, क्यों नहीं बना सकते? द रीजन इज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है अबाउट लीगलिटी, अबाउट विड्रॉज एंड अबाउट एवरीथिंग। डू वन थिंग, हमेशा आपको कहता हूं, इफ यू आर माई ऑडियंस, इफ यू आर माई व्यूअर्स, यू एवरी लाइक आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वो लाइक आई एम ऑलवेज सेइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि डू वन थिंग कि मेक अ डिपॉजिट ऑफ 350 रुपीज, नॉट मच। 350 रुपीज तो कोई भी खराब कर देता है यार। जस्ट थिंक कि 350 रुपए मैंने लगाए, दैट्स गए, वो खो गए मुझसे। इतना सोच लो, 350 रुपीज के साथ इन्वेस्ट करो। There are so many applications who are giving the features जहां पे आप 350 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। 350 रुपीज आप इन्वेस्ट करो, इफ आफ्टर दैट एक ट्रेड लो वहां पे 70 रुपीज के, एक ट्रेड लो, अगर वो आप हारते हो जीतते हो डजंट मैटर, टेक अ विड्रॉ इन योर बैंक। अगर आपको विड्रॉ मिल जाता है तो यू गॉट द कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। दैट कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू टू रेज दी चीजें, आप लोगों को ऊपर ले जाने में काम आएगा। क्योंकि यार बहुत सारे लोग हैं जो गलत गलत बोलते हैं इवन, और कभी उन्होंने जिंदगी में एक ट्रेड नहीं ली होती है, जस्ट सुना होता है इधर से कि ये चीज है, फेक है, यहां से विड्रॉ नहीं मिलता। लेकिन यार एक चीज बताऊं आप लोगों को, फ्रेंकली आई एम सेइंग कि यार पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। जो एप्लीकेशन है आपको पैसा कमा के देती है, वो वहां पे खाली अपना घर चलाने के लिए भी बैठी है, वो यहां पे सिर्फ आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बैठी है। दे वॉन्ट टू अर्न मनी ऑल्सो, दे वॉन्ट यू टू बी अर्न मनी फ्रॉम हियर, लेकिन वो भी यहां पे पैसा कमाने के लिए आई है। ठीक है, तो इतना आसान पैसा कमाना है नहीं। यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटजीज, ओन प्लान्स, सब कुछ आपको खुद करना है। आई एम हियर, आई एम हियर टू गाइड यू गाइस, आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर टू टीच यू, दैट्स इट। अगर आपको विड्रॉ में कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे कॉन्टेक्ट करो, डिपॉजिट में प्रॉब्लम आती है मुझसे कॉन्टेक्ट करो, मैं एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूंगा आपकी रिप्लाई करने की, हेल्प करने की। लेकिन करना सिर्फ आपको है यार, कोई आपके लिए करके नहीं देगा। यू हैव टू डू योर फॉर लाइक यू हैव टू डू योर सेल्फ। यार एक चीज और बताऊं यार, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मोटिवेशनल लेक्चरर नहीं हूं, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूं मेरी ऑडियंस को, मेरे व्यूअर्स को, कि व्हाई दे आर नॉट अर्निंग मनी फ्रॉम हियर। यार व्हाई द 95% ऑफ पीपल आर फेल्ड इन दिस फील्ड, एंड जो 5% लोग हैं वो क्यों पैसा कमा पा रहे हैं? बहुत लोगों को लीगलिटी पे इशू रहता है। अगर लीगलिटी पे इशू है तो ये जो एप्लीकेशंस है व्हाई दे आर रनिंग इन इंडिया वेरी स्मूथली, अभी तक कुछ एक्शन इन पे क्यों नहीं लिया गया? हाँ कुछ सिनेरियोज हैं
लेकिन उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अगर कुछ को नहीं पता वीडियोस देख लो समझ आ जाएगा। लेकिन हम जो चीजें कर रहे हैं ना, दैट्स इलीगल, दैट्स व्हाई वी आर हियर। ओके, तो यार मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमेशा ना बी योरसेल्फ, आप सुनो सबकी, सबकी सुनो, ईच एंड एवरी पीपल, जिसकी भी आपको सुनना चाहते हो, कोई भी चैनल, कोई भी कुछ भी, जो भी गलत कहता है, सलत कहता है आपको, मैं ये नहीं कहता मुझ पे 100% ट्रस्ट करो, नो, किसी पे भी 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जब तक आपको किसी का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता ना, तो किसी को ट्रस्ट मत करो, लेकिन सुनो सबकी, लेकिन करो यार अपने दिल की गाइस, मतलब अगर आपको लगता है ना कि ये चीज सही है तो वो ही करो, किसी के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है उसकी बात सुन के अपना डिसीजन क्यों बनाना, मेक योर ओन डिसीजन, किसी भी चीज को लेके अपना ओन डिसीजंस बनाओ, अपने खुद के फैसले लो। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला विड्रॉ नहीं मिलता तो नहीं मिलता, नहीं, पहले मैं खुद लेके देखूंगा विड्रॉ, अगर मुझे मिलता है तो मैं सही हूं, अब तू गलत है भाई। लेकिन अगर मुझे विड्रॉ नहीं मिलता तो रीजन ढूंढो कि व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे विड्रॉ नहीं मिला, क्या मेरा बैंकिंग इशू है, क्या मेरा जो विड्रॉ का मेथड है उसमें कोई इशू है, मेरे वेरिफिकेशन का कोई इशू है, उसके लिए मैं हूं यहां पे, मैं आपकी हेल्प करूंगा टू टीचिंग यू, इस चीज में गाइड आपको हेल्प करूंगा कि कैसे आप इस चीज से ओवरकम करो, कि मतलब आप किसी से इस चीज से लाइक अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम फेस होती है तो किस तरीके से आप निपटो ऐसी प्रॉब्लम्स है। दैट्स व्हाई आई एम हियर, मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज बताने के लिए, सब कुछ चीजें करने के लिए, लेकिन करना सिर्फ आपको है यार। एंड किसी की बातों में मत आओ, किसी की बातों में आओ मत, सुनो उसकी बात, जिसको आप मेरी बात सुनो, बिलीव तब करो जब आप खुद वो चीज से गुजर चुके हो या आप वो चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हो, तब मुझ पे बिलीव करो। आप किसी पे भी बिलीव करोगे ना तब करो यार। यहाँ पे क्यों नहीं पैसा कमा पा रहे हैं, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ पीपल और टुवर्ड दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज दैट। उसके बाद ही कुछ चीजें ना आगे हो पाएंगी, चीजें चेंज हो पाएंगी। जब तक आपका ये जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है रिगार्डिंग ये जो एप्लीकेशन है, इसके चेंज नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर हमारे दिमाग में एक चीज आ गई ना यार, सिंपल सी बात है, हमारे दिमाग में एक चीज आ गई कि भैया जो कुत्ते होते हैं ना, डॉग्स होते हैं, वो काटते हैं सिर्फ, हमारे दिमाग में इतनी बात आ गई जो डॉग्स है, अगर मैं उनके पास गया तो हमें काट लेंगे, तो आप कभी भी डॉग के पास जाओगे ना तो डरोगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि मेरे जो डॉग्स है, मैं यार मेरे घर पे भी डॉग है, वो तो मुझे काटता नहीं है, मेरा पालतू है, और अगर डॉग्स कुछ होते हैं जो काटते भी हैं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि नहीं काटेंगे, ठीक है, मतलब आपके मन में वो मेंटेलिटी सेट उस तरीके से होने चाहिए, तो फिर आपके अंदर जो बिलीव होगा ना, आप वहां से जा भी पाओगे और होगा भी कुछ नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको। और अगर आपको वो डर बैठ गया ना, उसी तरीके से आपके मन में जहां डर बैठा हुआ है सबके लोगों के मन में, और जब तक वो डर रहेगा ना, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों के लिए कि जब तक आपके मन में वो डर है, आप यहां से पैसा नहीं कमा जा सकते। ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं बना रहा हूं, मेरा कोई मोटिव नहीं है, थोड़ा सा हटके मैंने वीडियो जरूर बनाई, लेकिन सिर्फ यही कारण है क्योंकि यार मैं चाहता हूं ईच एंड एवरी पीपल, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे ऑडियंस है, वो यहां से पैसा कमा के लेके जाए, करियर बनाए, जो चाहते हैं वो करे, बट लॉस नहीं लेके जाए। क्योंकि यार दोस्त, जब लॉस होता है ना, आप इतना मेहनत से पैसा कमाते हो, अगर यहाँ पे गवा देते हो ना, तो सिर्फ आपको दुख नहीं होता है, वो लॉस सिर्फ आपका नहीं है, वो हर एक आदमी का लॉस है। क्यों? क्योंकि आपके लॉस हुआ, आप किसी उस एप्लीकेशन के बारे में गलत बोलोगे, आपने गलत बोला, दूसरा बंदा गलत सोचेगा, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं लगेगी यहाँ की रियलिटी क्या है, ठीक है। यानी कि मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप यहां से पैसा कमा के लेके जाओ, लेकिन उसके लिए यार यू हैव टू बी yourself, यू हैव टू टेक योर decisions by yourself, don't think about the others। लोग बोलेंगे, बोलने दो उनको यार, जो कुछ भी बोलेगा ना, कोई कुछ बोलता है बोलने दो, मत सुनो मत उनकी, अगर सुनते भी हो ना किसी की भी, यहां पे मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूं यार, सच्ची में ये वीडियो किसी के लिए डेडिकेटेड नहीं है या किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही है, लेकिन बस इतना जरूर कहना चाहूंगा, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक बंदा यहां से पैसा कमा के लेके जाए, और नहीं कमा पा रहा है यार यहां से पैसा। बहुत लोग हैं जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और अपना पैसा खो देते हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि भाई, पहली बात तो दो पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जो लोग दूसरों की सुन के यहां पे आते हैं और दूसरों की सुन के आके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, नहीं करते, या फिर लीगल के बारे में बोलते हैं, लीगलिटी या कुछ भी, और दूसरी कैटेगरी के लोग हैं
जो बहुत पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बिना ये सोचे कि भैया उसका रिटर्न मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, श्योर हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप यहां से पैसा कमा सकते हो। कमा सकते हो यार, क्यों नहीं कमा सकते भाई, मैं कमा रहा हूं, आप क्यों नहीं कमा सकते? ठीक है, मैं कोई अलग नहीं हूं आप लोगों से, मैं भी आप जैसा ही हूं। मैं क्यों कर पा रहा हूं? मेरे अंदर कोई स्पेशल पार्ट नहीं है जो आपके अंदर नहीं है। लेकिन वही रीजन आ जाता है ना, यू हैव टू बी पेशेंस। आपके पास पेशेंस होने चाहिए हर एक चीज का। आपको एक माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा। एंड आई बिलीव इन यू गाइस, आई बिलीव इन यू, आई नो माई ऑडियंस, आई नो माई व्यूअर्स, एवरीथिंग आई नो अबाउट यू गाइस, कि आप जरूर ऐसा कर पाओगे, आप करोगे और डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा यहां से कमा के लेके जाओगे। आई हैव फेथ ऑन यू, मुझे भरोसा है आप लोगों पर, एंड यू विल डू इट वन डे। एंड जिस दिन करोगे ना भैया, सबसे ज्यादा खुशी जो होगी ना आपके भाई को होगी कि यहां से आप पैसा कमा के लेके जा रहे हो। मैं यही चाहता हूं कि यार ईच एंड एवरी बंदा जो यहां पे है वो पैसा कमा के लेके जाए, लेकिन ये नहीं चाहता कि आप इन्फ्लुएंस में आके ना किसी के। आप मेरी भी बात तब तक मत सुना करो, तब तक मत बिलीव किया करो जब तक आपको खुद एक्सपीरियंस उस चीज का नहीं हो जाता है। मैं हमेशा से आपको एक ही चीज कहता हूं कि मैं जो बोलता हूं आपको, मैं जो चीजें दिखाता हूं, प्रूफ दिखाता हूं, उसके बाद मुझ पर बिलीव करो यार। ठीक है, किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड 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 द थिंग इज यार गाइस, आप लोगों को जितने भी मेरी ऑडियंस है जो पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सबको बताना चाहूंगा यार, मैं ना यही चाहता हूं कि सब सक्सेस हो इन दिस फील्ड, और यही रीजन है इस वीडियो को बनाने का। यार उम्मीद करता हूं जो मैं पहुंचाना चाहता था आप तक पहुंच गया होगा, और आई डोंट नो कि चीजें चेंज होंगी आपके लाइफ में या नहीं होंगी, लेकिन मुझे जरूर विश्वास है अगर मेरी इस वीडियो को देखने के बाद एक नॉट इवन लाइक इवन अ सिंगल पर्सन ना, अगर वो चेंज हो जाता है ना, अगर वो अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करता है, अपने अंदर पेशेंस लेवल को बढ़ाता है, उसको समझ में आता है क्या मनी मैनेजमेंट है, कैसे मैं लॉस कर रहा हूं यहां से, क्यों मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूं। ये कोई गेम नहीं है कि अप डाउन करके आप पैसे कमा लोगे। यहां पे लगती है स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, चीजें बहुत कुछ है जो आपकी अभी समझ से बाहर है अगर आप सोचना चाहते हो तो। बस यार गाइस इतना ही बोलना चाहूंगा इन द लास्ट डे। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो ना तो ब्रदर वेलकम है आपका हमारे चैनल में। और यार चलिए आज के लिए इतना ही काफी था, एंड अगर कोई इश्यू आता है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन हमेशा अभी भी मैं वही चीज कहूंगा, मेक योर ओन डिसीजंस, सुनो सबकी, करो अपनी। थैंक यू सो मच गाइस।